कर्मचारियों द्वारा समय समय हेलो दोस्तों, तो कैसे वापस। तो आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ महाकाल कॉरिडोर का अगला वीडियो। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पुराने मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे उनके आगे का भाग ही। यहाँ पर भगवान मणिभद्र के रूप में शिव जी का अवतार है, इसकी प्रतिमा बताई गई है। देख सकते हैं काफी आकर्षक ये मूर्ति लग रही है इनकी, भगवान की। इसके पहले के सारे वीडियोस मेरी चैनल पे अवेलेबल है, इसके पहले का जो जो भी एरिया है। तो अगर आप महाकाल कॉरिडोर को पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी एरिया को मैंने काफी डिटेल में बताया है, कितने सुंदर वो सब बनाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर आज के वीडियो में। देख पा रहे होंगे आप इस वीडियो में कि अभी भी यहाँ पे काम चल ही रहा है इसको सुंदर करने का, बहुत सारे चूल्हों को लगाया है। जब ये बड़े हो जाएंगे तब यहाँ का नज़ारा और भी सुंदर लगेगा। तो देखिए आगे की ओर, आप देख पा रहे होंगे समुद्र मंथन का होते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको इसको सामने की ओर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना अच्छा ये नज़ारा है। ये देखिए, यहाँ पे शिव जी जो समुद्र मंथन के समय विष निकला था उसको पीते हुए ये वाला दिखाया है। देखिए थोड़ा सा सूरज बिल्कुल सामने ही, इस वजह से कैमरे में कवर नहीं हो पा रही सारी चीज़ें, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा एंगल दिखाने का। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, अद्भुत। तो जब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए माता पार्वती और गणेश जी की कितनी अच्छी प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है, इतना सुंदर। ये गणेश जी पीछे से देख रहे हैं विमोदक की ओर। इसके अलावा ये देखिए कितनी अच्छी सारे पिलर्स पे कारीगरी की गई है, पूरी डिजाइन में बना है। देखिए सबसे अच्छी बात, ऊपर की ओर चढ़ने के लिए चढ़ाव और घाटी स्लोप ये दोनों बनाए गए हैं, ताकि अगर ऐसा कोई पर्सन जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता उस स्लोप के थ्रू ऊपर आ सकता है। और महाकाल कॉरिडोर की सबसे अच्छी बात है, यहाँ आपको हर थोड़ी दूर में बैठने की जगह मिल जाएगी, ताकि अगर आप थक जाते तो आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे इतनी जगह है बैठने की कि आराम से आप चाहे कितने भी लोग यहाँ पे आए देखें, आराम से वो बीच बीच में बैठ सकते हैं, अपनी थकान दूर करके आगे का देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। और ये देखिए, ये श्री खांडोबा भगवान का प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे, ये भी काफ़ी आकर्षक लग रही है देखने में। ये देखिए घोड़े पे उनका और कितना अच्छा लुक है। और देखिए जब नीचे आप उतरेंगे तो ये रावण का जिसने कैलाश पर्वत उठाया था, इसके जस्ट सामने की साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर देवियों की प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए, ये महालक्ष्मी की, इसके बाद माता सरस्वती और इसके बाद पार्वती माता की। देखिए मैं तीनों मूर्तियों को आपको एक साथ एक ही फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब ये बनाई गई है यहाँ पे। और फिर अगर हम इसके सामने की साइड आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं शिव जी का एक काफ़ी मनमोहक आपको दृश्य दिखने वाला। उसके पहले देखिए यहाँ पे कितनी सारी बैठक की व्यवस्था की गई, जैसा कि मैं आपको बीच बीच में बोल रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग एक ही बार में एक साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि बारात का दृश्य आप देख सकते हैं। शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं और ये सब ढोल और बाजे बजाए जा रहे हैं, तो ये शिव बारात का दृश्य है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य भी, बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत ये सब यहाँ पे बनाया गया है। और इसके आगे की ओर भी देखिए, यहाँ पे भी फिर एक एरिया बनाया है लोगों के विश्राम के लिए।
देख सकते हैं यहाँ भी कितनी सारी चेयर्स लगी। और यहाँ से सामने की ओर देखिए, ये रुद्र सागर का दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी नाव चलने वाली है। और देखिए साइड में एक ये प्रतिमा, ये भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भगवान पशुपतिनाथ की है। तो ये पशुपतिनाथ जी का जो शिव जी का रूप है, ये भी बहुत ही निराला यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और ये है रुद्र सागर, यहाँ पे अभी नाव चलने वाली कुछ समय बाद। तो नाव से भी बैठ के आदमी यहाँ का महाकाल कॉरिडोर का आनंद ले सकेगा, महाकाल कॉरिडोर की सुंदरता का। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक महाकाल कॉरिडोर को बनाया है, काफ़ी लंबे एरिया में भी फैला हुआ है। देख सकते हैं आप सामने की साइड, अद्भुत कारीगरी की गई है पूरी दीवारों पर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर के अभी और भी पार्ट आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा है महाकाल कॉरिडोर और काफ़ी सुंदर बना है, तो एक वीडियो में तो ये कवर हो नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।